गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। मैं हूं अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव डीआईवाई जो कि है एंटी एजिंग के ऊपर। गाइस, आप सबको पता है कि बहुत ही कम लोगों की स्किन ऐसी होती है जो कि 30 के बाद भी मेंटेन रहती है, उसमें कोई झुर्रियां नहीं पड़ती है, कोई एजिंग के साइन नहीं आते हैं। लेकिन हमारी इंडियन स्किन का टोन ऐसा है कि 30 तक आते आते ना हमारी स्किन जो है थोड़ी डल होनी शुरू हो जाती है, एजिंग के साइन आने शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो ये मैं आपको फेस मास्क बताने वाली हूँ ये उसी के ऊपर है। और ये अगर आपकी एज है 25+ तो आप इस वाले जो फेस मास्क है इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बुढ़ापा तो आना ही आना है, झुर्रियाँ तो आनी ही आनी है, एजिंग के साइन एक टाइम के बाद तो हमारे फेस पे आने ही आने हैं। लेकिन समय से पहले ना आए इसके लिए हमने अपने स्किन को बचा के रखना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक फेस पैक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपको समय से पहले एजिंग के साइन जो आ जाते हैं उससे बचाएगा। और अगर आप 30+ हैं भी तो भी आपकी स्किन को स्ट्रेचेबल रखेगा, स्किन टाइटनिंग करके रखेगा, आपकी स्किन में किसी तरह की कोई स्पॉट्स नहीं आने देगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि आप सबके पास होना भी चाहिए एलोवेरा जेल, क्योंकि हमारी स्किन को टाइटनिंग करने के लिए बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है, हमारी स्किन को लूज नहीं होने देता, टाइट बना के रखता है, हमारे फेस पे किसी भी तरह के कोई स्पॉट्स हैं तो उनको भी ये रिड्यूस करता है, उनको नहीं आने देता है। और अगर आपके फेस पे एक्ने पिंपल है तब भी एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी स्किन को ग्लोइंग और स्पॉटलेस, पिंपल लेस, एक्ने लेस बनाने के लिए। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है हमारी स्किन के लिए। सो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। और यहाँ पे मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और अगर आप रॉ एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, साथ में मैं लूँगी यहाँ पे विटामिन सी की टैबलेट्स, मेरे पास सिर्फ दो ही बची हैं, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं। ये 22 रुपये में आई थिंक 10 टैबलेट मुझे मिल गई थी। और एलोवेरा जेल भी ज़्यादा महंगा नहीं आता गाइस, आई थिंक ये 95 रुपीज़ का है या 75 रुपीज़ का है। तो आप जाके ले लेना है दोनों चीज़ें, किसी भी केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इस रेमेडी को हमें बनाने के लिए चाहिए एलोवेरा जेल और साथ में विटामिन सी की टैबलेट्स। तो विटामिन सी की दो टैबलेट्स को पहले मैं पीस लेती हूँ। आप भी विटामिन सी की टैबलेट को डायरेक्टली अप्लाई ना करें, इनको पीस लें, इसका चूर्ण बना लें पतला पतला। तो गाइज, मैंने इसको पीस लिया है और कूट लिया है मैंने, आप चाहे तो किसी भी हार्ड चीज से कूट सकते हैं। अब मैं इसको ना एक कांच के बाउल में खाली कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 टैबलेट्स ले रही हूँ ताकि मेरी स्किन पे, मेरे फेस पे पूरी तरह से कमी ना रहे जो हम पेस्ट बनाएंगे उसकी। अब मैंने यहाँ पे विटामिन सी की टैबलेट्स ले ली, हल्के से पिंक कलर की हैं क्योंकि विटामिन सी होने की वजह से थोड़ा इसमें कुछ ऑरेंज फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें हम मिलाएंगे करीब 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। ये देखिए, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें एलोवेरा जेल मिला लिया है। और हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और 25+ एज वाले इसको जरूर अप्लाई करें, आपकी स्किन में ना बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट दिखाई देगा। मैंने पहले ही बताया है, स्पॉटलेस बना देगा स्किन को, टाइटनिंग, आपकी स्किन को टाइट लुक देगा, लूज नहीं होने देगा स्किन को, जो कि मोस्टली आफ्टर 25 इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है, स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, एजिंग के साइन आने शुरू हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वाले फेस मास्क से नहीं होने वाली हैं। तो अगर आप 25+ हैं तो आप इसको लगाना शुरू कर लें, हफ्ते में 2 से 3 बार इस वाली रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद अपना फेस जो है क्लीन कर लूँगी, साफ चेहरे पे इसको अप्लाई करें, पानी से अच्छे से वॉश कर लें अपने फेस को, उसके बाद इसको अप्लाई करें। सो गाइस, चलिए फेस वॉश कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, हमेशा साफ चेहरे पे लगाएं। और मिक्सिंग भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है, देखिए एलोवेरा जेल और विटामिन सी की जो टैबलेट्स थी बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो गई है। अब इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करना है इस तरीके से। अगर बच जाए तो आप उसको रख सकते हैं और एक दिन के बाद या नेक्स्ट डे ही आप उसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसमें वो कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं है, यही जो मिक्सिंग है इन दोनों का केमिस्ट्री जो है बहुत सही
है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हमें कुछ और मिलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी दाग धब्बों को दूर करेगा, और एलोवेरा जेल अगर हम साथ में मिला देते हैं तो पूरी हमारी स्किन को वाइटनिंग करेगा, लाइटन करेगा। और एजिंग के साइन अगर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, या एजिंग के साइन जो यहाँ पे स्पॉट्स आ जाते हैं वो अगर आने शुरू हो रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है गाइस। फिर भी अगर आपकी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली आपके अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, तो एक बार पैच टेस्ट कर लेना नेक के आसपास, यहाँ पे आप पैच टेस्ट करें कि बाद में इरिटेशन वगैरह ना हो, जलन ना हो, फेस में कोई इफेक्ट ना पड़े इसका नेगेटिव। तो पैच टेस्ट कर ले अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो, अदरवाइज ये ऑल टाइप स्किन पर जाता है। तो गाइज इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, मेरा कुछ प्रोडक्ट बच गया है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी और कल मैं इसको दोबारा से अप्लाई कर सकती हूँ। और नाइट में इसको अप्लाई करें तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको रात में लगा लें और 10 मिनट के बाद मैं अपना जो फेस है उसको वॉश कर लूँगी और आपको दिखाई देगा कि फेस पे कितना इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। वॉश कर लिया है और फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है, और मैं डेली बेसिस पे मतलब डेली नहीं तो मैं हफ्ते में 3-4 बार इस वाले रेमेडी को अप्लाई कर लेती हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और रादर कि आप बाहर के महंगे मैंने प्रोडक्ट खरीदे, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाए, नाइट क्रीम्स, मॉर्निंग क्रीम्स, दुनिया भर की क्रीम्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, रादर कि आप वो यूज़ करें, आप घर पर ही इस तरीके से होम रेमेडीज़ को ट्राई करेंगे ना, तो एक तो आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरल तरीके से काम करेगी, दूसरा आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और गाइज इसको आप इस रेमेडी को रात के टाइम पे अप्लाई करें, 10 मिनट लगाने के बाद आप छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें नॉर्मल पानी से, फिर चाहे तो कोई सा भी नॉर्मल सीरम जो आप यूज़ करते हैं वो, नहीं तो कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करके आप सो सकते हैं। रात में इसलिए बोल रही हूँ कि रात में हमारी स्किन जो है थोड़ी रिलैक्स मोड में होती है, तो रात को अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में या दिन में अप्लाई करेंगे फिर बाहर कहीं जाएंगे तो वो उतना इम्पैक्ट आपको नहीं दे पाएगी। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग फेस पैक की रेमेडी है, आप इसको जरूर ट्राई करें, मदर के साथ शेयर करें, भाभी के साथ शेयर करें, दीदी के साथ शेयर करें, सासू माँ के साथ शेयर करें। सो गाइस जिसको भी रिक्वायरमेंट है ना, आप उसके यहाँ डेली रेमेडी शेयर कर सकते हैं, बना के दे सकते हैं, आप खुद भी बना लेंगे कोई, क्योंकि इसमें कोई हिटलर रूल नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी मैथड है इसको बनाना। सो गाइस आई होप एंड आई रियली विश कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी है या नहीं लगी है मुझे कमेंट करके बताना और इसको जरूर ट्राई करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या किसी नई रेमेडी के साथ।